बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेती बाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देंगे बाकला की जो खेती होती है उसके बारे में और समेकित खेती प्रणाली का महत्व क्या है इस बारे में। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। हजारीबाग के पशुओं को टीकाकरण के साथ साथ आधार से जोड़ा जाएगा। मछली पालन में बेहतरीन कार्य के लिए संस्था, जिला और उद्यमी को पुरस्कृत करने की है योजना। मटर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद स्वर्ण अमर। अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हजारीबाग जिले के सभी पशुओं, गाय, भैंस, बकरी और सुकरों में खुरहा मुहपका का टीकाकरण किया जाएगा। इसके अलावे 4 से 8 महीने के गाय और भैंस के मादा को ब्रुसेलोसिस का टीका दिया जाएगा। साथ ही पशुओं को 12 नंबर के आधार से टैगिंग किया जाएगा और स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। हजारीबाग के सभी पशुपालक अपना आधार और मोबाइल नंबर विभाग द्वारा अधिकृत टीका कर्मी को उपलब्ध कराकर अपने पशुओं का पंजीकरण और टीकाकरण कराएं। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड, मत्स्य पालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से 21 नवंबर को विश्व मत्स्यिकी दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर झारखंड के उत्कृष्ट अर्ध सरकारी संस्था, उत्कृष्ट जिला और उत्कृष्ट मत्स्य उद्यमी को पुरस्कृत करने की योजना है। आवेदन सहित इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए झारखंड मत्स्य निदेशालय से संपर्क कर सकते हैं। दुधारू मवेशियों को ठंड से बचाने के लिए उनका बेहतर आवास प्रबंध करें। आवास में धूप आने के लिए दिन में खिड़की दरवाजा खोल दें। छत को काले रंग से रंग दें। साथ ही मवेशियों को बैठने के लिए जमीन पर पुआल बिछा दें। दुधारू मवेशियों को ठंड से बचाने के लिए उनके आवास को गर्म रखने का हर संभव प्रयास करें। उनके आवास पर अगर किसी पेड़ की छाया पड़ती हो तो उसकी कटाई छटाई करें ताकि आवास पर पर्याप्त धूप रहे। इससे आवास गर्म रहेगा। इसके अलावा रात के समय अधिक ठंड रहने पर खिड़की दरवाजे को बोरा या प्लास्टिक से ढकने का इंतजाम करें, लेकिन दिन के समय खिड़की दरवाजा खोल दें। साथ ही आवास के अंदर मवेशियों को सीधे जमीन पर ना बैठने दें, बल्कि उस पर पुआल बिछा दें। जो दुधारू पशु हैं उनका जो आवास है उसमें दिन में खिड़की खोल देनी चाहिए, जिससे कि धूप की रोशनी आसानी से अंदर जा सके, और पुआल गेहूं का पुआल से या तो सूखी घास से उसका बिछावन तैयार करना चाहिए। साथ ही जो बाड़े के या तो गौशाला के आसपास बड़े पेड़ पौधे हैं उसका बड़ी टहनी को छांट देना चाहिए, जिससे कि धूप ज़्यादा से ज़्यादा पड़े, और छत में ब्लैक पेंट से उसको रंग देना चाहिए जिससे कि धूप की रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब हो सके। किसान भाइयों, मटर की खेती के लिए पूरे नवंबर महीने तक बुआई कर सकते हैं। अगात मटर के बेहतर उत्पादन के लिए आरकेल या बीएल अगेती मटर साथ लगाएं, जबकि मटर की मध्यकालीन खेती के लिए स्वर्ण अमर या स्वर्ण मुक्ति लगाएं। किसान भाइयों, यहाँ के लिए जो मटर की उन्नत खेती के लिए हम लोग जो लगा सकते हैं, तो मटर का जो अगेती किस्म है उसमें आरकेल है, मटर अगेता 6 है और बीएल अगेती मटर 7 है, काशी उदय है, तो इसका खेती किसान भाई कर सकते हैं। और जो मध्यकालीन मटर का किस्म है उसमें हमारा केंद्र से विकसित हुई है स्वर्ण अमर, स्वर्ण मुक्ति, फिर बनारस से जो विकसित हुई है काशी शक्ति है, और आज़ाद पी 2 है जो कानपुर से विकसित है कृषि विश्वविद्यालय से, तो ये सब का खेती किसान भाई अच्छा तरह से कर सकते हैं। आज हम जानेंगे टमाटर फसल में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रण करें। जो किसान टमाटर फसल की खेती कर रहे हैं वे विभिन्न कीटों के हमले को रोकने के लिए खेत में पक्षियों को बैठने के लिए पक्षी आश्रय स्थल बनाएं। पक्षी कीट पतंगों को मारकर खाते हैं जिससे फसल कीटों से सुरक्षित रहती है।
अब बारी है एक सफल किसान से मिलने की, तो आइए चलते हैं किसान के गांव। अभी जो खेती लग रहा है वे तकनीकी ढंग से लगाते हैं हम लोग। जैसे हम लोग रामकृष्ण मिशन आश्रम दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र मोरहाबादी रांची के जो विशिष्ट जो वैज्ञानिक हैं वे लोग हम लोग का गाँव में महीना में एक बार दो बार ऐसे आते हैं और वे लोग अच्छा से अच्छा बीज को लगाने कहते हैं ताकि उसमें ज़्यादा मुनाफा हो और किसान का क्रॉप अच्छा हो और लेस ना जाए। इस तरह के हम लोग का जो वैज्ञानिक हैं वे जानकारी देते हैं और हम लोग उसी के आधार से हम लोग खेती करते हैं। और अब एक नज़र राज्य के पांच प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के पांच प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अगर आप सामेकित खेती प्रणाली को अपनाते हैं तो इससे काफ़ी फायदा होता है। तरह तरह की खेती की जाती है, पशुपालन किया जाता है और आप तो करते भी हैं। वैसे किसान भाई बहन जो इस प्रणाली को नहीं अपनाए हैं अभी तक, तो वो तैयार हो जाएं जानकारी लेने के लिए कि सामेकित कृषि प्रणाली जो है वो क्या है और इसके क्या महत्व है। तो आइए अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। फसल उत्पादन के साथ साथ मवेशी पालन, फल सब्जी उत्पादन, कुक्कुट पालन, मछली पालन इत्यादि का एक साथ समायोजन कर संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना समेकित कृषि प्रणाली कहलाता है। कृषि से संबंधित जो उद्योग हैं जैसे गौ पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, जो डिफरेंट इंटरप्राइजेज हैं उनका किस तरह से समन्वित रूप से इंटीग्रेटेड रूप से हम उस फसल में को इंटीग्रेट करके जो हम खेती करते हैं, जैसे कि सीधे सीधे शब्द में समझिए कि जैसे उसका बाय प्रोडक्ट जैसे गाय है उसका गोबर है उसका हम यूज़ करते हैं भर्मी कंपोस्ट बनाने में, उसको सड़ा के ये डालते हैं। फिर जो है जैसे हमारा हम बरसीम लगाते हैं तो उसका हम उपयोग करते हैं गाय को खिलाने में। इसी तरह जो हम मछली पालन करते हैं तो मछली पालन जो है हमारा जो मुर्गी पालन और बत्तख का बीट है उसको हम खिलाते हैं। तो कहने का मतलब कि जितने भी कृषि और कृषि से संबंधित माने व्यवसाय है उसका एक दूसरे के ऊपर जो है इंटीग्रेशन करते हैं और हमारा सामेकित कृषि प्रणाली का दो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है कि किसान भाई के पास जितना भी खेत जो भी ज़मीन है उसका एक एक इंच उसका इस्तेमाल हो जाता है। प्लस दूसरी बात यह है कि ये हमेशा जो है लाभकारी होनी चाहिए और लाभकारी कब होगा जबकि हम उसमें अलग से कोई मतलब कि चीज़ उसको नहीं डालेंगे। जो हमारा खेत में हो रहा है उसी का दूसरे अवयव हम व्यवहार करेंगे, उसी को हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। समेकित कृषि प्रणाली के लिए कृषि योग्य भूमि और संसाधनों की उपलब्धता के हिसाब से अलग अलग मॉडल विकसित किए जा सकते हैं। झारखंड जैसे राज्य में जहां बड़ी संख्या में कृषक छोटे अथवा मझौले हैं, वहां धान अथवा सब्जी उत्पादन के साथ साथ मुर्गी पालन एवं सुकर पालन ज्यादा फायदेमंद है। भारत में किसान है एक जो है एकदम गरीब किसान है, दूसरे जो है वो मध्यम वर्ग के हैं और तीसरे जो हैं जो कि अमीर किसान हैं जिनके पास जोत बहुत ज़्यादा है। झारखंड में 90% किसान जो है वो गरीब हैं, तो उनका जो हमारा सामेकित कृषि पद्धति का जो मॉडल होगा वो छोटा होगा, उनके लिए अलग होगा, जो हमारे जो अमीर किसान हैं उसके लिए अलग होगा। तो जनरली हम झारखंड की हम बात करते हैं तो देखिए झारखंड में दो तीन मतलब कि कृषि और कृषि से संबंधित मतलब कि इंटरप्राइजेज जो हम कहते अवयव जो कहते हैं जैसे मुर्गी पालन, मछली पालन और बत्तख पालन, बकरी पालन, सुअर पालन,
ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे किसान के लिए लाभकारी हैं और इनको लोग कर सकते हैं। तो हम समय की कृषि प्रणाली में मछली पालन का काफी महत्व है। किसान भाई अपनी कृषि योग्य भूमि के एक हिस्से में तालाब का निर्माण कर रेहू, कतला अथवा मृगल जैसी मछलियों का पालन कर सकते हैं। तो आप तालाब के रूप में मछली पालन के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो फसल व्यवस्था है उसके अनुसार उसमें फसल भी लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने जो रिसर्च किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई किसान एक हेक्टेयर में जो है आप मछली पालन कर रहा है, एक उसका तालाब जो है तालाब एक हेक्टेयर का है, बड़ा तालाब है, उसके लिए आपको मछली के लिए जो है एक हेक्टेयर के लिए आपको 6,000 7,500 से 8,000 फिंगरलिंग्स उसमें लगते हैं। फिंगरलिंग्स जो हम उसमें डालते हैं उसमें भी है कि यदि उसके साथ आप मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गी पालन जो आप फिंगरलिंग्स जो यूज करेंगे वो थोड़ा छोटा 4 से 5 सेंटीमीटर का होगा, और यदि आप बतख पालन करते हैं तो उसका फिंगरलिंग्स जो है 8 से 10 सेंटीमीटर का होगा, यदि छोटा रहेगा तो बतख उसको खा जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। प्लस जो है हम जो है रेहू, कतला, मृगाल ये सब जो है मछली की जो वैरायटी है, जो स्पेसीज है, उसको हम लेते हैं, क्योंकि ये सारी मछलियाँ जो है तालाब के विभिन्न विभिन्न सतहों पर रहती है। तो हमारे तालाब के पानी का जो विभिन्न विभिन्न सतह है उसका जो है सारा उपयोग करेंगे, खाना वाना उपयोग करेंगे और हमारा उत्पादन बढ़ेगा। कृषि वैज्ञानिक एक हेक्टेयर क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों को 200 से 300 बतख, इतनी ही संख्या में मुर्गियां, 5 या 6 गाय तथा 75 सुकर पालने की अनुशंसा करते हैं। जहां तक मुर्गी का सवाल है, यदि मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गी पालन में हम 200 से 300 मुर्गी एक हेक्टेयर के लिए रखते हैं। 200 से 300 मुर्गी जो है वो सफिशियंट होता है एक हेक्टेयर मछली में वो खाने, उसका बीट मलमूत्र जो है तालाब में डालते हैं तो वो काफ़ी होता है। यदि बत्तख किसान भाई रखना चाहते हैं तो 200 से 300 बत्तख रख सकते हैं, उससे उनको फ़ायदा होगा। जो किसान भाई के गौ पालन जो है एक थोड़ा खर्चीला व्यवसाय है लेकिन उसमें उनको लाभ भी बहुत ज़्यादा मिलता है, तो 5 से 6 गाय जो है आप रख सकते हैं। 500 से 600 गाय यदि रखेंगे तो ना ज़्यादा खर्च आएगा ना तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तीसरी चीज़ है, यदि किसान भाई देखिए सुगर का यहाँ जो है बहुत व्यापक रूप से पालन होता है व्यवसाय, और गरीब तबके के लोग जो है उनको ज़्यादा मतलब यूज़ करते हैं, तो आप 75 सुगर पालन कर सकते हैं और इन सबों को एक साथ करके कृषि में जो हमारा फसल लगता है इसे उसको इंटीग्रेटेड करके हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। समेकित कृषि प्रणाली में धान अथवा गेहूं जैसे मुख्य फसलों के अलावा मक्का तथा हरा चारा की उपलब्धता के लिए बारसीम की खेती की सलाह देते हैं। जहां तक फसल का सवाल है तो धान, गेहूं और मक्का जरूर लें, क्योंकि मक्का से क्या होगा कि आपको सुअर का भी खाद मिलेगा, प्लस जो है मुर्गी को भी उसको डाल सकते हैं, प्लस बरसीम आप ले सकते हैं रबी सीजन में, बरसीम लेते हैं उससे हरा चारा मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है, और जो हमारा गाय से जो गोबर ओबर आएगा उसको हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, जो पुआल आएगा उससे हम जो है मशरूम पालन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि कृषि से संबंधित जितने मतलब व्यवसाय हैं उनको सारा एक साथ जो है इंटीग्रेट करके किसान भाई ये अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। समेकित कृषि प्रणाली द्वारा खेती करना काफी फायदेमंद है। इस पद्धति के माध्यम से किसान सीमित भूमि में कम लागत लगाकर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं, रोजगार के अवसर बढ़ा सकते हैं एवं कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित कर सकते हैं। किसान भाइयों, जाड़े का मौसम जो है अब शुरुआत हो चुका है और इस मौसम में बाकला की खेती जो है झारखंड के परिवेश में बड़े पैमाने पर लोग करते हैं, लेकिन इसकी क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए कि ज़्यादा उपज हो और ज़्यादा मुनाफा हो, इसके बारे में भी एक फीचर के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि बाकला की खेती में कृषि कार्य क्या क्या किया जाए। बाकला एक दलहनी फसल है। बाकला प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है और इसका उपयोग दाल और सब्जी दोनों ही रूप में किया जाता है। बाकला की खेती के लिए दोमट मिट्टी या हल्की चिकनी मिट्टी अच्छी मानी जाती है। झारखंड के लिए बहुत पोटेंशियल क्रॉप है, हालांकि इसकी खेती जो है अभी झारखंड में बहुत कम
होती है, किसान के बारे में इसकी जानकारी भी कम है। बाकला लगाने का सबसे अभी उत्तम समय अभी चल रहा है, अक्टूबर के मध्य तक हम बाकला की खेती कर सकते हैं। इसके लिए बाकला लगाने के लिए सबसे पहले जैसे गेहूं वगैरह की आप तैयारी करते हैं, उसी तरह खेत को 2-3 बार जोत लीजिए, उसका जो है उसका पाटा लगा के समतल कर लीजिए। जो अभी हालांकि बाकला की उतनी ज़्यादा जो किस्में हैं वो अभी विकसित नहीं हुई हैं, फिर भी विक्रांत एक वैरायटी है बाकला की, विक्रांत, जो कि पूरे इंडिया में वो उसकी उत्पादकता अच्छी होती है और किसान भाई लेते हैं, तो झारखंड के किसान भाई विक्रांत किस्म जो है बाकला की वो ले सकते हैं। दलहनी फसल होने के कारण आमतौर पर बाकला की फसल को ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार खाद एवं उर्वरक खेत में अवश्य डालें। किसान भाई बीच में जैसे निकाई गुड़ाई, एक तो 25 दिन पे एक निकाई गुड़ाई आवश्यक है, और उसके बाद जो है यदि खरपतवार ज्यादा है तो 35-40 दिन में दूसरी निकाई गुड़ाई ज्यादा है, और उसके बाद जो है आप जो है जो जैसे खाद की मात्रा करते हैं तो बुआई के समय आधा खाद डालें, और उसके बाद जो है नाइट्रोजन की जो मात्रा बचती है उसको 2 भाग में बांट करके 25% जो है वही निकाई गुड़ाई करके 25 दिन के बाद डालें, और फिर दूसरी मात्रा जो है दूसरी निकाई गुड़ाई करके 35-40 दिन के बाद डालें। इस तरह किसान भाई यदि बाकला की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। बाकला एक सबसे पहले बहुत पोटेंशियल दलहनी क्रॉप है। ये जो है हमारा बाकला जो है वो 130 दिन में पक के तैयार हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसका जो बीज दर है वो 100 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से हम उसको लेते हैं। खरपतवारों के प्रतिस्पर्धा से फसल को बचाने के लिए 25 दिन और 35 से 40 दिनों के अंतराल पर 2 बार निकाई गुड़ाई करें। निकाई गुड़ाई के क्रम में बचे हुए नाइट्रोजन के आधे भाग को फसल में 2 बार डालें। 130 दिन में पक के तैयार, और इसमें जो खाद की मात्रा है जो किसान भाई जो खाद डालते हैं तो 88 किलो यूरिया, 375 किलो जो है सिंगल सुपर फास्फेट, DAP नहीं सिंगल सुपर फास्फेट, और म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है 34-35 किलो हम 1 हेक्टेयर की दर से उसमें डालते हैं। और बाकला की खेती जैसे किसान भाई जो आम खेती करते हैं, गेहूँ खेती करते हैं, लेकिन ध्यान देने की बात है कि कतार से कतार की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 15 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। और जब बाकला 130 दिन में पक के तैयार हो जाता है तो आप देखें कि जितने और सभी ज़्यादातर क्रॉप जो है फसल जो है वो पीले पड़ के जो है वो कटने लायक हो जाते हैं, लेकिन बाकला एक ऐसी फसल है जो कि नीचे से काला होते जाता है। वो जब फसल पक के तैयार होता है तो नीचे से काला होते जाता है, जब ये 75% जब इसके भाग काले पड़ जाए इसका मतलब ये है कि हमारा हार्वेस्टिंग करने लायक हो गया है। बाकला चूंकि रबी की फसल है इसलिए इसे ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बुआई के बाद एक सिंचाई और तैयार होते वक्त एक सिंचाई देना चाहिए। बाकला जो मध्यम भूमि है, 2-2-3 है, जो कि धान कटने के बाद भी उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, तो उस पर जो है उस पर उसका जर्मिनेशन हो जाएगा, उसमें आप लगा दें जर्मिनेशन हो जाएगा, और उसके बाद यदि एक सिंचाई देते हैं तो उसकी जो है वो बाकला की भरपूर उत्पादकता हो जाएगी, और यदि बीच में यदि एकाध पानी पड़ गया तो उत्पादकता और बढ़ जाएगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये रबी क्रॉप है, गेहूँ ऐसे पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, दलहनी क्रॉप है, 1-2 या मतलब कि पानी में हो जाता है, लेकिन जो धान कटने के बाद जो बचा हुआ जो मॉइस्चर है, जो नमी है, उसी पर इसकी बुआई कर देते हैं, तो हमारा एक सिंचाई ऐसे भी बच जाता है। हालांकि बाकला में ज्यादा रोग और कीट का प्रकोप नहीं होता है, लेकिन अगर कीट का प्रयोग हो तो नीम निर्मित कीटनाशकों अथवा फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल लाभदायक है। हर क्रॉप में बहुत सारी ऐसी किस्में हैं, बहुत सारे रोग, व्याधि, कीड़ा और रेसिस्टेंट वैरायटी है, तो पहले वैज्ञानिक विधि से कहीं से सलाह लेके जब आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो आप उसमें जो है उसको जैसे एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि धान में ब्लास्ट एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है ब्लास्ट, लेकिन IR64 एक ऐसी वैरायटी है जिसमें ब्लास्ट नहीं लगता है, न के बराबर लगता है, अब एक आध जगह आ रहा है लेकिन न के बराबर लगता है। तो इस तरह का जो है अब जब ब्लास्ट नहीं लगेगा तो हमको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस तरह की जो है आप वैरायटी का चयन करें। दूसरा चीज़ है जो मान लीजिए लग भी गया
तो जैसे नीम बेस्ड जितने भी मतलब कि ये हैं उसका उपयोग करें। फिर जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे ट्रैप क्रॉप लगाएं, जैसे लगाते हैं ट्रैप क्रॉप लगाएं, उससे जो है जो हमारे कीड़े वगैरह वहीं ट्रैप हो जाएंगे। तो इस तरह का बहुत सारा टेक्नोलॉजी आया है जैविक कृषि में। और हमारे यहाँ तो झारखंड में तो नेचुरल है नीम और ये करंज, तो नीम और करंज बेस्ड ऑयल का भी बहुत सारा एक्सट्रैक्शन है, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकला की खेती कर किसान भाई इसे सब्जी या दाल के रूप में बेचकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। प्रोटीन का यह अच्छा स्रोत होने के कारण यह स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो किसान भाइयों, अब आपने ये देख लिया कि आपको फायदा कौन दिलवा सकता है। रही बात इस पे अमल करने की, अगर आप इस पे अमल करेंगे तो हमारी मेहनत जो है वो पूरी हो जाएगी और आपका मुनाफा बढ़ जाएगा। विदा लेने से पहले किसान भाइयों, आपको बता दें कि अगर हमारे कार्यक्रम को आप फिर से देखना चाहते हैं तो YouTube पर देख सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं। आप विदा दीजिए, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता ज़रूर लिख डालिए, क्योंकि अगर आपके पास में कोई समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो कागज़ और कलम उठाइए, लिख डालिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा, केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतज़ार। तब तक पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।